गाइस बेटा वर्जन का ये नया इन्फेक्शन मोड खेलकर तो पुरानी यादें ताजा हो गई। तो गाइस न्यू एरा वाले इस रैंगल 2.0 मैप के पबजी मोबाइल वर्जन की एक्सपेक्टेड रिलीज डेट 8th of September है। हेलो गेमर्स, कैसे हो आप, क्या हाल है। तो पिछले साल 2019 में ठीक इसी वक्त एक ऐसा बेहतरीन मोड पबजी मोबाइल में आया था जिसे हमने काफी पसंद किया, इन्फेक्शन मोड। और फिर कुछ समय बीत जाने के बाद पबजी मोबाइल ने उसे गेम में से हटा दिया। आज तक जितने भी स्पेशल मोड्स पबजी मोबाइल में रिलीज हुए हैं, इन्फेक्शन मोड उनमें वन ऑफ द फेवरेट मोड है आज तक का। लेकिन जब वो पबजी मोबाइल ने गेम में से रिमूव कर दिया तो बहुत ज्यादा प्लेयर्स ऐसे थे जिन्हें बहुत निराशा हुई, मुझे भी। तो मेरे भाई, अगर आपको अभी तक पता नहीं चला है तो मैं आपको ये बता दूं कि एक खुशखबरी है कि ये इन्फेक्शन मोड एक बार दोबारा लौट कर आने वाला है पबजी मोबाइल में। तो आखिर ये शानदार मोड आखिर कब रिलीज होने जा रहा है पबजी मोबाइल में। सो गाइस, नेक्स्ट वर्जन अपडेट 1.0.0 जैसे ही सितंबर में रिलीज हो जाएगा तो पेलोड मोड 2.0 के साथ साथ इन्फेक्शन मोड 2.0 भी हमें खेलने के लिए मिलने वाला है। आप में से ज्यादातर ने मुझसे ये सवाल पूछा था कि ये नया वर्जन किस डेट को रिलीज हो रहा है। तो गाइस, न्यू एरा वाले इस रैंगल 2.0 मैप के पबजी मोबाइल वर्जन की एक्सपेक्टेड रिलीज डेट 8th of September है, यानी कि तब इस वर्जन के अंदर हमें ये नया इन्फेक्शन मोड 2.0 भी खेलने के लिए दोबारा मिलने वाला है अब, क्योंकि पबजी मोबाइल के ग्लोबल वर्जन वाले बेटा अपडेट में ऐड भी किया जा चुका है अब। तो आप फटाक से देख लेते हैं कि पुराने वाले इन्फेक्शन मोड और इस नए इन्फेक्शन मोड 2.0 में क्या क्या चेंजेस किए गए हैं। सो हम यहाँ पर अब इन्फेक्शन मोड में एंटर हो चुके हैं और राउंड वन जिस तरह से पिछले वाले मोड में हुआ करता था बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन एक्चुअली गौर करने वाली बात ये है कि जो पुराने वाला इन्फेक्शन मोड था वो काफी ब्राइट लाइट यानी कि डे के अंदर खेला जाता था और ये नया वाला इन्फेक्शन मोड एक नाइट मोड जैसा है। इसकी थीम देखकर कुछ ऐसा लग रहा है कि ये हेलोइन के ऊपर बेस्ड है। यहाँ पर जगह जगह काफी सारे पम्पकिन रखे हुए हैं। अब ये तो मानकर चल सकते हैं गाइस कि ये फाइनल वर्जन नहीं है इस इन्फेक्शन मोड का, क्योंकि ये बेटा अपने इनिशियल स्टेज में है। इसके बाद एक या दो अपडेट दोबारा हमें यहाँ देखने को मिलेंगे और फिर जो हमें इन्फेक्शन मोड दिखेगा वो होगा हमारा फाइनल इन्फेक्शन मोड जो कि ऑफिशियल वर्जन में रिलीज हो जाएगा। यहाँ बहुत सारी सजावट कर दी गई है, तो यहाँ जगह जगह हम जहाँ भी देख रहे हैं बहुत सारी लाइट्स लगी हुई दिख रही है हमें। यहाँ पर पूरा सेलिब्रेशन वाला माहौल है। तो इस नए इन्फेक्शन मोड का बेसिक गेम प्ले बिल्कुल वैसा ही है जैसा पहले था। इसके अंदर कोई बदलाव नहीं किया गया है, यानी कि इसके रूल्स रेगुलेशंस बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे पिछली बार थे, क्योंकि हमें इसमें अपने प्लेयर्स को ज़ॉम्बीज से इन्फेक्ट होने से बचाए रखना है और लास्ट में बचे हुए 3 प्लेयर्स डिफेंडर बन जाएंगे और फिर जब डिफेंडर्स बन ही जाएंगे तो उनके हाथों में स्वॉर्ड्स आ जाएंगी और राउंड के एंड में ज़ॉम्बीज और डिफेंडर्स की बैटल होने वाली है। यहाँ जो प्लेयर भी सबसे ज्यादा डैमेज दे पाएगा पूरे राउंड में वो ही उस राउंड का MVP रहेगा। अब यहाँ पर इस इन्फेक्शन मोड के विजुअल्स के साथ साथ जो इसके ज़ॉम्बीज हैं इनकी अपीयरेंस के अंदर भी बदलाव किया गया है। यहाँ नए वाले इन्फेक्शन मोड के ज़ॉम्बीज वुल्फ जैसे दिख रहे हैं और ठीक इसी तरह से फाइनल वर्जन के जो ज़ॉम्बी किंग्स होंगे उनके विजुअल्स भी थोड़े डिफरेंट होंगे पिछले वाले इन्फेक्शन मोड से। भाई बेटा वर्जन का ये नया इन्फेक्शन मोड खेलकर तो पुरानी यादें ताजा हो गई। सो इस मोड के बेसिक मैप का जो फॉर्मेट है ये डिट्टो वैसा ही है जैसे पिछले वाले इन्फेक्शन मोड का था। तो जितनी भी ट्रिक्स पिछले वाले मोड में काम करती थी वो सारी ट्रिक्स इस मोड में भी काम करेंगी। जब पिछली बार ये इन्फेक्शन मोड रिलीज हुआ था तो मैं आपके लिए ज़ॉम्बीज और डिफेंडर्स दोनों की अलग अलग ट्रिक्स वाली वीडियोस लेकर आया था। तो अगर आपने वो टॉप 10 टिप्स एंड ट्रिक्स वाली दोनों वीडियोस पिछली बार नहीं देखी थी तो आप उनको इस बार देख सकते हो, क्योंकि वो इस बार भी काम आने वाली हैं। मेरे भाई उन ट्रिक्स में से कुछ तो ऐसी हैं जो इतनी बेहतरीन ट्रिक्स हैं और वो आपने कहीं और शायद देखी भी नहीं होंगी, क्योंकि वो ट्रिक्स सिर्फ मैं ही आपके लिए उन वीडियोस में लेकर आया था। वैसे मैंने आपको कुछ ग्लिचेस भी दिखाए थे इन्फेक्शन मोड के, लेकिन वो सारे के सारे ग्लिचेस पबजी मोबाइल ने ठीक कर दिए थे। सो अगर कुछ नए तरह के ग्लिचेस इस नए इन्फेक्शन मोड में ऐड हो गए हैं गलती से पबजी मोबाइल से तो मैं आपके लिए वो ग्लिचेस भी जरूर लेकर आऊंगा जैसे ही ये ग्लोबल वर्जन में आ जाएगा। अब एक और कमाल की बात ये भी है कि जो नया न्यू एरा वाला 1.0 वर्जन हमें खेलने के लिए मिलने वाला है इसके अंदर 90 FPS सपोर्ट भी आ रहा है। तो हम में से जिन प्लेयर्स के फोन 90 FPS सपोर्ट करते हैं वो इस नए इन्फेक्शन मोड का 90 FPS में भी मजा ले पाएंगे। वैसे आप में से ज्यादातर प्लेयर्स तो ये ऑलरेडी जानते हैं, लेकिन जो नहीं जानते हैं उनके लिए हमें एक बार फिर से बता देते हैं कि FPS का मतलब है फ्रेम्स पर सेकंड। और अभी तक के लिए जो हमें नॉर्मल फ्रेम रेट PUBG मोबाइल में खेलने के लिए मिलता है वो है 60 FPS यानी कि 60 FPS। तो नेक्स्ट वर्जन अपडेट के बाद ये 90 FPS हो जाएगा, फिर हमारा गेम और भी ज्यादा स्मूथ चलने वाला है। सो मैं भी चलता हूँ और लेकर आता हूँ आपके लिए ऐसा ही एक और अमेजिंग वीडियो। गुड बाय गेमर्स एंड लव यू ऑल। जिंदा हो कि मर जाना तुम बैठी।
तो रहते हैं।